नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अनुज, एक कार्डियोलॉजिस्ट हूं। और शिक्षा प्रणाली में जितनी अधिकतम शिक्षा लेनी चाहिए, कुछ अच्छी से अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए, मैंने ली। और आज इस मैकॉले सिस्टम से पास होकर मैं डॉक्टर तो बन गया हूं, पर मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि एजुकेशन मतलब चार चीज़ें होती है। वो चार चीज़ों में है स्किल्स, वैल्यूज़, कैरेक्टर और पर्पस। ये चार चीज़ें एजुकेशन सिस्टम में होनी ही चाहिए। पर आज मैं जितना देखता हूँ मेडिकल हॉस्पिटलों में जो चल रहा है, जिन डॉक्टरों से मैं मिलता हूँ उनसे, या जो भी बाहर के लोग हैं उनसे मैं देखता हूँ कि केवल स्किल्स उन्होंने अपनाए हैं, पर वैल्यूज़ कहाँ है, कैरेक्टर कहाँ है और पर्पस कहाँ है। जो ये तीन चीज़ जो अंग है इस एजुकेशन सिस्टम के, ये बिल्कुल बाहर है। और जब हम देख रहे हैं तो मेरा ये निवेदन है जावड़ेकर जी से, जो आज एजुकेशन मिनिस्टर है, कि आज हम हमारी एजुकेशन सिस्टम को 70 साल हो गए हमारे इंडिपेंडेंस को, ये चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों ये सड़ी हुई मकौले सिस्टम की जो एजुकेशन प्रणाली है आज भी हम हमारे बच्चों को दे रहे हैं, ताकि उनमें सिर्फ एक स्किल डेवलपमेंट हो। मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए आपको एक बहुत हास्यपद बात बताऊँगा। मैं जो काम करता हूँ, 2D इकोकार्डियोग्राफी करता हूँ, स्ट्रेस टेस्ट करता हूँ, कंसल्टिंग करता हूँ, और एंजियोग्राफी कुछ डॉक्टर्स करते हैं मेरे साथ, मैं पहले करते थे। तो एंजियोग्राफी, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये स्किल्स हैं। अगर किसी आदमी को मेरे साथ आप 6 महीने के लिए रख दो, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, और ये कोई कार्डियोलॉजिस्ट मेरी बात मना नहीं करेगा, कि वहाँ पे जो कैथ लैब में उनके साथ जो काम करने वाले जो बॉयज़ है, उनको जो है वेन लेना अच्छे से आता है। अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे ना, तो जो नर्स है उसको आपकी नस लेनी अच्छे से आएगी, डॉक्टर से भी अच्छी आएगी, क्योंकि जो स्किल्स है उन्होंने देख देख कर और कर, जो चीज़ को करने के बाद उनमें वो हुनर आ गया है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तो आसानी से किसी के पास आ जाएगी, पर कहाँ गए वो वैल्यूज़ जो उसके साथ आने चाहिए, कहाँ गया वो कैरेक्टर जो उसके साथ आना चाहिए, और कहाँ गया वो पर्पस जो उस एजुकेशन सिस्टम में उस आदमी को वहाँ से पास करने के बाद आना चाहिए। विद्या विनय संपन्न, ऐसे बोलते हैं कि विद्या लेने के बाद एक आदमी में विनय आता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कहाँ पर विनय ज़्यादा दिखता है? एक छोटे से गांव में जब आप जाके किसी सिंपल से आदमी से बात करते हो, उसमें विनय नज़र आता है? या जो आप बड़े से बड़े केडर पे जाके, जो बहुत एजुकेटेड है, MD हो गए हैं, DM हो गए, ऐसे लोगों के पास जाते हो, तो उनके पास आपको विनय नज़र आता है? कहाँ पर आपको विनय नज़र आता है? जब विद्या विनय देना चाहिए, तो यहाँ पर ये जो सबसे ज़्यादा विद्या लेने वाले लोग हैं, इनमें विनय कहाँ है? इनमें तो सबसे बड़ा अहंकार है। हमारे आधे डॉक्टर्स तो अपने आप को आधे भगवान ही मानते हैं। पर चलिए, मेरा कुछ 6 प्रश्नों का आपसे संबंध है, वो 6 प्रश्न मैं आपसे पूछ के रहूंगा। पहला प्रश्न है कि जब जापान में जापानी शिक्षा हो रही है, रूस में रूसी शिक्षा हो रही है, अमेरिका में अमेरिकी शिक्षा हो रही है, जर्मनी में जर्मनी शिक्षा हो रही है, इंग्लैंड में अंग्रेजी शिक्षा हो रही है, तो भारत में भारतीय शिक्षा क्यों नहीं है? ये मेरा आपसे बहुत ही सरल प्रश्न है, पहला प्रश्न है आपसे। दूसरा प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय शिक्षा अर्थात वेदों व उपनिषदों का ज्ञान विश्व के अन्य देशों के ज्ञान से निम्न स्तर का है? है निम्न स्तर का? आप सभी अगर भारतीय हैं तो ना कभी ने हाँ कहेंगे, क्योंकि ये सबसे उच्चतम ज्ञान है। तीसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है, क्या भारत का वैदिक ज्ञान केवल आध्यात्मिक ज्ञान तक ही सीमित है? वैज्ञानिक, तकनीकी, कला, साहित्य, भूगोल, खगोल, वृक्ष, वनस्पति का ज्ञान इसमें नहीं है? चौथा प्रश्न, क्या अपने श्रेष्ठ ज्ञान के आधार पर भारतीय समाज ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास के उच्चतम शिखर पर पहुंचकर परम वैभव को प्राप्त नहीं किया था? 500 साल पहले हमारा भारत सोने की चिड़िया था, और ये आज के एजुकेशन सिस्टम पर नहीं, जो हमारी गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली थी उसके बेसिस पर था, और आज हम ये एजुकेशन सिस्टम आज भी नहीं बदल रहे, क्यों? क्या इस पवित्र व श्रेष्ठतम ज्ञान के अधिष्ठान पर भारत के विश्व गुरु पद प्राप्त कर संपूर्ण विश्व को कल्याण का मार्ग नहीं दिखाया था हमारे देश ने? दिखाया था, तो आज वापस क्यों नहीं जा रहे हम उस प्रणाली पर जो कि हमको विश्व पद दे चुकी है? क्या आज भी भारतीय ज्ञान में विश्व के संकटों का समाधान कर संपूर्ण सृष्टि में सुख व शांति का मार्ग प्रशस्त करने का सामर्थ्य नहीं है हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में, गुरुकुल सिस्टम में? जरूर है। और जो भी भारतीय इस चीज को सुन रहा है, वो अपने मन से कह रहा होगा, हाँ, हमारे गुरुकुल सिस्टम को वापस लाने की जरूरत है, जिसमें 6 एक्चुअली मेन तथ्य सिखाए जाते हैं, जिसमें है वैशेषिका, जिसमें है सांख्य,
जिसमें है उत्तर मीमांस, पूर्व मीमांस, पतंजलि, ऐसे महान चीजों को सिखाया जाता था। और ये सीखने में किसी का वैभव एक के ऊपर नहीं रहता था, इसलिए उसमें विनम्रता हमेशा रहती थी, क्योंकि मुझे उसको मालूम था कितना ज्ञान मुझे और लेना है। और मैं आपसे व्यंग की कुछ तीन चीजें बताऊंगा आपको। जब एक आयुर्वेदिक डॉक्टर अपनी 18 साल की 12वीं की एग्जाम देने के बाद में आयुर्वेदिक कॉलेज में जाता है, तो उसका जो गुरु वहां पर जो मिलने वाला है वो कहना चालू करता है कि आप जितनी भी एजुकेशन आज लिए हैं, ये अनफॉर्चुनेटली आपको अभी पूरी भुलानी पड़ेगी, क्योंकि जो आपने रसायन शास्त्र पढ़ा है, जो आपने फिजिक्स पढ़ा है, जो आपने मेटलर्जी पढ़ा है, जो आपने केमिस्ट्री, इक्वेशंस, फिजिक्स जितना पढ़ा है, ये आपको सब भूलना पड़ेगा, क्योंकि अब हम कफ, वात और पित्त के ऊपर बात करने वाले। कितनी हास्यपद बात है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर को 18 साल तक जो जीवन में पूरा ज्ञान दिया गया वो वेस्ट ज्ञान है। क्यों ना उसको पहले से पढ़ाया गया, क्यों नहीं पढ़ाया गया उसको? आज की ये सिस्टम इतनी कैसी हास्यपद हो सकती है? दूसरा एग्जाम्पल, एक MBA जाता है पढ़ने के लिए मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सीखने के लिए कि बिजनेस कैसे अच्छा किया जाए, और क्या करता है आने के बाद? 90% लोग, 90% ऑफ द MBAs हु पास आउट फ्रॉम MBA कॉलेजेस आर कंप्लीटली गोइंग आउट एंड सीकिंग जॉब्स, जाकर भीख मांगते हैं अपना सर्टिफिकेट दिखा के, प्लीज हमको जॉब दे दो। ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जिसमें हम बिजनेस पढ़ रहे हैं बिजनेस अच्छा करने के लिए, और जाकर उस डिग्री को बताते मुझे जॉब दीजिए ना सर, मैं आपका बिजनेस अच्छा करूंगा, इसलिए पढ़ा था आपने MBA। तीसरा एक हमारा मेडिकल का प्रोफेशन लीजिए, हम जो है हमारे मकौले सिस्टम के हिसाब से 2-3 साल तक पहले सिर्फ बुक्स पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी ग्रेज एनाटॉमी की बुक, उसके बाद में हम सर्जरी की, मेडिसिन की बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ते हैं, और उसके बाद जब आखिरी साल आता है, जब हम फाइनल ईयर में होते, तो बोला जाता है अभी आप जाके पेशेंट को देखेंगे। सर हम डॉक्टर बनने के लिए क्यों आए यहाँ पर? पहले दिन से हमको पेशेंट क्यों नहीं दिखाया गया कि हम जो है बुखार को जाने, हम कफ को जाने, हम पित्त को जाने, जो भी प्रॉब्लम्स है दुनिया, जो भी अलग अलग दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है पेशेंट्स में, उसको हम जाने, और वो जानने के बाद जब हमको समझ में आए तो पुस्तकें दीजिए ना, उसके ऊपर बहुत रिसर्च हो सकती है। ये उल्टा एजुकेशन सिस्टम जो है मकावले का, कि पहले बड़ी बड़ी पुस्तकें, अरे मेरे बच्चे को आप सिखाओगे रिवर नाइल जो है इजिप्ट में बह रही है, रिवर थेम्स जो है इंग्लैंड में बह रही है, उससे क्या करना है? ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, इससे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा उस जीवन में उस बच्चे का, वो केवल इन्फॉर्मेशन ही लेता रहेगा, पर उसके जीवन में कभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। अगर एजुकेशन सिस्टम से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा तो इस देश की उन्नति कैसे होगी? बड़े बड़े साइंटिस्ट हमको बताने की जरूरत नहीं कि पहले कितने हमारे विश्वगुरु हो चुके हैं, तो ये विश्वगुरु कैसे होंगे हमारे इस देश में जब आपका एजुकेशन सिस्टम ही फॉल्टी है? वो बताया गया था आपको स्लेव्स बनाने के लिए, आपको जो है नौकरशाही में रखने के लिए मकावले ने ये एजुकेशन सिस्टम बनाया था, ताकि इंग्लिश में सब बात करें और उसके बाद सबको नौकरशाही में लगा दे। तो वही नौकरशाही वाला एजुकेशन सिस्टम देना था, पर आज मैं उस मकौले सिस्टम से पक गया हूँ, क्योंकि उसमें वैल्यूज नहीं है, उसमें कैरेक्टर नहीं है, उसमें पर्पस नहीं है। वापस गुरुकुल सिस्टम को जब तक नहीं लाएंगे, ये भारत नहीं सुधरने वाला। ये मेरा बिल्कुल तह मन से आप सभी को ये कहना है कि जब तक गुरुकुल प्रणाली वापस नहीं आएगी, हमारा देश नहीं सुधर सकता। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।